ऑप्टिक ट्रैक्ट में मेन आपको वही याद रखना है कि किसका क्रॉसिंग होता है, अगेन केवल नाजल साइड का क्रॉसिंग होता है, टेम्पोरल साइड अनक्रॉस है, तो दिस इज अ क्लिक की लाइन, ओके। ड्यू टू क्रॉसिंग ऑफ द मीडियल फाइबर्स इन द ऑप्टिक काइज़मा, मतलब मीडियल मतलब आपका नाजल वाले फाइबर्स क्रॉसिंग होते हैं, लेटरल वाले फाइबर्स क्रॉस नहीं होते, क्लियर। फिर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, रिलैक्सेशन और गेटिंग मैकेनिज्म। फिर ऑप्टिक रेडिएशन, सिनोनिम याद रखना है जेनिकुलेट कैल्केरिन फाइबर्स। और फिर प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स, विजुअल कॉर्टेक्स का प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स कहाँ पे सिचुएटेड है, ऑसिपिटल लोब में, याद रखना विजुअल कॉर्टेक्स एंड होता है हमेशा ऑसिपिटल लोब में, लेकिन कौन सा पर्टिकुलर पार्ट, कैल्केरिन फिसर, इसी की वजह से इसका नाम जेनिकुलेटो कैल्केरिन फाइबर्स भी हुआ है, क्योंकि ये एंड होता है कैल्केरिन फिसर के आसपास में, पर्टिकुलरली ऑसिपिटल लोब का हिस्सा है, ओके। और ये एक वर्ड आता है मैक्यूलर रिप्रेजेंटेशन, वो हम जब आगे देखेंगे तब उसमें आएगा। मैक्यूला ये आई का ऐसा हिस्सा है जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर विजन होता है, तो आप कुछ भी देख रहे हो उसमें आपको क्रिस्टल क्लियर देखना है, बहुत ही क्लियर, जैसे आप अभी मेरा लेक्चर पढ़ रहे हो और आप पीपीटी में देख रहे हो, तो आप अच्छे से वहां पे फोकस करते हो, जैसे ये पाथवे, आप छोटी छोटी चीजें भी जैसे यहाँ पे फोकस कर रहे हो, ओके, लाइक दिस पाथवे, तो ये विजन अभी आपका बन रहा है आई में, मैक्यूला में, ये आपको याद रखना है, सारे विजन आपके बन रहे हैं मैक्यूला में, मैक्यूला के पार्ट में बनते हैं, वो वहां पे क्रिस्टल क्लियर विजन बनता है, वो रटाइना का हिस्सा है मैक्यूला, ओके, रटाइना के मैक्यूला वाले पार्ट में बनता है। तो आप जैसे पढ़ रहे हो अभी, तो क्योंकि कितना लंबा आपने पढ़ा है, तो आप, मैं होप करता हूँ कि आपने जो भी पढ़ा है वो मैक्यूला में विजन बना होगा, रटाइना में, तो आपको वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर दिखा होगा, आपने अच्छे से समझोगे छोटी छोटी चीज़ों को। तो आप इतना ज़्यादा मैक्यूला को यूज़ करते हो तो आपका कॉर्टेक्स भी बहुत ही बड़ा होना चाहिए, ओके, क्योंकि जो चीज़ आप बार बार यूज़ कर रहे हो वो ब्रेन में अंडरस्टैंड करना है, तो ब्रेन भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि रटाइना का पूरा हिस्सा तो आप नहीं यूज़ करते, रटाइना में जो मैक्यूला है वही आप बार बार यूज़ कर रहे हो, तो हमें विजुअल कॉर्टेक्स भी उसके लिए लार्ज रखना पड़ता है। तो मैक्यूलर रिप्रेजेंटेशन ऑक्यूपाई द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ विजुअल कॉर्टेक्स नियर द ऑसिपिटल पोल, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि रटाइना बहुत बड़ी है, ओके, रटाइना मान लो एक वॉल की तरह है, तो मैक्यूला इसका केवल 2% पार्ट है, मान लो एक वॉल है आपके सामने, एक दीवार है, उसका ओनली 2% पार्ट ही मैक्यूला होता है, ओके, लेकिन आप जब वही पार्ट को देख रहे हो, 2% पार्ट को ही देख रहे हो, जैसे मान लो आपकी एक दीवार है उसमें आपने एक टीवी लगाया हुआ है और आप टीवी को देख रहे हो, तो आप पूरी दीवार को नहीं देख रहे, आप टीवी पे ही फोकस कर रहे हो, तो टीवी को ही आप देख रहे हो, तो ब्रेन का बहुत सारा हिस्सा टीवी के लिए ही डेडिकेटेड होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो ब्रेन को इतनी देखने की ज़रूरत नहीं है, टीवी में ही आपको फोकस कर रहे हो, तो उसी तरह से रटाइना भले 2% है, लेकिन ब्रेन का जो विजुअल कॉर्टेक्स है उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा आपका मैक्यूला का ही होगा, ओके, तो विजुअल कॉर्टेक्स का जो सेंटर पार्ट होगा ऑसिपिटल पोल में, वो बहुत बड़ा एरिया हमने दिया है मैक्यूला को, ओके, भले मैक्यूला छोटा है लेकिन उसका काम बड़ा है, इसलिए विजुअल कॉर्टेक्स में उसका बड़ा एरिया है। सो विजुअल कॉर्टेक्स को एरिया नंबर 17 भी बोलते हैं, कहाँ पे है, कैल्केरिन फिशर पे, और वहाँ पे क्रिस्टल क्लियर विजन का इमेज बनती है। सो विजुअल कॉर्टेक्स एंड देयर फंक्शन, प्राइमरी विजुअल एरिया, एरिया नंबर 17 विच इज कंसर्न्ड विद द परसेप्शन ऑफ विजुअल इंपल्सिस। फिर सेकेंडरी विजुअल एरिया, मतलब एरिया नंबर 18 एंड 19, इसका काम मेनली है कलर का परसेप्शन का। प्राइमरी विजुअल एरिया में विजन बनता है, सेकेंडरी विजुअल एरिया 18-19 में क्या बनता है, कलर बनता है, 3D इमेज, एंगल, ये सब एरिया नंबर 18-19 में बनता है। तो यहाँ पे दिखा है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स एरिया नंबर 17। देखो ये पूरा मान लो विजुअल, ये मान लो पूरा आपका ऑसिपिटल लोब का विजन का एरिया है, तो आप देखो हमने बहुत ही बड़ा एरिया विजुअल कॉर्टेक्स को दिया है और बहुत ही डीप भी जा रहा है, बहुत ही बड़ा एरिया क्यों हमने दिया है, क्योंकि ये मैक्यूला को रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर विजन बनता है, ओके। सो V1 एरिया बहुत ही बड़ा है, फिर V2 देखो आप छोटा है, तो 2% मतलब टीवी है आपके 2% में, वैसे ही रटाइना में मैक्यूला है, लेकिन उसके लिए एरिया हमें बड़ा रखना पड़ता है, क्योंकि वो मेन काम करता है, वो अच्छे से क्रिस्टल क्लियर विजन देता है, बाकी सब एरिया कलर के लिए है, फिर 3D एंगल्स के लिए, इन सब इनका फंक्शन। तो अभी हमने देख लिया है विजुअल पाथवे, आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका होगा, आगे हमें विजुअल लेशंस भी देखने हैं, हमने स्पेसिफिक पार्ट देख लिया है, आगे और एक भी एक कंसेप्ट है स्पेसिफिक पार्ट, जैसे बोलते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो व्हाट इज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के 6 लेयर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जैसे कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर होते हैं 1, 2, 6, वैसे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के भी 6 लेयर होते हैं, ओके।
तो जो भी आपके फाइबर्स आए ऑप्टिक ट्रैक के, वो कहाँ पे एंड होते हैं? आपने बोला लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में। लेकिन लेकिन लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में कौन से लेयर में एंड हो गए? तो ये आप ऐड करोगे तो अगेन यू आर गेटिंग 70% मार्क्स एंड दिस इज वेरी आईएमपी फॉर अ 1 मार्क क्वेश्चन। तो इप्सिलेटरल रेटिना एंड होती है लेयर नंबर 2, 3, 5 में। तो आपको याद रखना है 2, 3, 5 जहाँ पे इप्सिलेटरल रेटिना एंड लेयर नंबर 1, 4, 6 जहाँ पे कॉन्ट्रोलेटरल रेटिना। ओके, अगेन आपको मैं पूछता हूँ ओके कि लेटरल जेनिकुलेट बॉडी यहाँ पे मैंने दिखाई। ओके, दिस इज योर लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। सो सपोज दिस इज योर राइट साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट साइड। तो मान लो यहाँ पे आपकी राइट साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है, तो राइट साइड की लेटरल जेनिकुलेट बॉडी में 6 लेयर हो गए। ओके, लेयर नंबर 1, 4, 6। तो 2, 3, 5 में कौन से फाइबर्स आएंगे वो आपको बोलना है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या आंसर करेंगे कि 2, 3, 5 में सर इप्सिलेटरल फाइबर्स आते हैं। तो आपको आंसर क्या करना है, ये राइट लेटरल जेनिकुलेट बॉडी है तो यहाँ पे इप्सिलेटरल रेटिना के फाइबर्स आएंगे, तो यहाँ की रेटिना के फाइबर्स आएंगे। ओके, लेयर नंबर 2, 3, 5 में यहाँ की रेटिना के फाइबर्स आएंगे राइट साइड में। अभी आपको समझना है इप्सिलेटरल रेटिना राइट फाइबर्स मतलब कौन से फाइबर्स, टेम्पोरल वाले, क्योंकि लेफ्ट वाले तो क्रॉस हो जाते हैं। तो आपका कंसेप्ट ये क्या बन रहा है कि आपकी इप्सिलेटरल रेटिना के फाइबर्स लेयर नंबर 2, 3, 5 में आएंगे, कॉन्ट्रोलेटरल रेटिना के फाइबर्स लेयर नंबर 1, 4, 6 में आएंगे। लेकिन इप्सिलेटरल रेटिना के फाइबर्स में टेम्पोरल फाइबर्स भी होंगे और आपके फाइबर्स कौन से होंगे, नाजल वाले भी फाइबर्स, लेकिन नाजल वाले फाइबर्स तो पहले ही क्रॉस होके इस तरफ चले जाते हैं। ओके, सो 2, 3, 5 में राइट आई के टेम्पोरल फाइबर्स आएंगे और आपके लेफ्ट आई के नाजल फाइबर्स यहाँ पे मिल रहे हैं। ओके, सो 2, 3, 5 फॉर इप्सिलेटरल रेटिना एंड 1, 4, 6 फॉर अ कॉन्ट्रोलेटरल रेटिना। क्लियर एवरीवन? 6 लेयर होते हैं लेटरल जेनिकुलेट बॉडी के, थैलेमस का हिस्सा है। सेम वे कॉर्टेक्स के भी 6 लेयर होते हैं। ओके, एक क्रेडिट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, क्या कॉर्टेक्स का कोई ऐसा पार्ट है जहाँ पे 6 की जगह ओनली 3 लेयर ही होते हैं? ओके, इफ यू कैन आंसर दैट इज वेरी गुड, दिस इज अ क्रेडिट क्वेश्चन। इज देयर एनी पार्ट इन द कॉर्टेक्स विच कंटेन्स ओनली 3 लेयर्स? द आंसर इज एनीवन, द आंसर इज द गुड द आंसर इज फॉर अ 3 लेयर्स इज हिपोकैम्पस। ओके, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय हिपोकैम्पस? हिपोकैम्पस इज द पार्ट वेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो अगेन आई होप कि आप जो पूरा लेक्चर पढ़ रहे हो वो अभी तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, पर वो अच्छे से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। तो वो तभी होगा जब आप इसको अच्छे से सेंस करके अंडरस्टैंड करके समझ लो। तो इसको आप अच्छे से फील कर लो, इसकी वजह से 3 लेयर ही भगवान ने दिए है कॉर्टेक्स में। तो हिपोकैम्पस में 3 लेयर है तो वो बहुत ही अच्छे से स्टिम्युलेट होता है, बहुत ही आसानी से स्टिम्युलेट हो जाता है, और उसकी वजह से आप शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हिपोकैम्पस, बिकॉज दैट कंटेन्स ओनली 3 लेयर। सो दैट इज़ वेरी इजी फॉर हिपोकैम्पस टू कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन इसकी साइड इफेक्ट ये आती है कि बिकॉज दिस इज इजीली एक्साइटेबल, तो मेनली अगर पेशेंट को एपिलेप्सी है तो एपिलेप्सी के बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं ब्रेन में, कोई भी पार्ट में से एपिलेप्सी बन सकती है। लेकिन आप पेशेंट को देखोगे तो मेनली उसका हिपोकैम्पस पार्ट में से ही एपिलेप्सी ओरिजिन होती है। तो ब्रेन का कोई भी पार्ट एपिलेप्सी करवा सकता है, लेकिन मेन कॉमनेस्ट साइट अगर कोई पूछेगा आपको कि कॉमनेस्ट ओरिजिन कौन सा है जहाँ से एपिलेप्सी होती है, तो वो हिपोकैम्पस पार्ट है, क्योंकि वहाँ पे 3 लेयर है। और जब आपने पढ़ा होगा मेमोरी अगर हायर फंक्शन चलाए तो वहाँ पे आता है शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट में अलग अलग टेक्निक आती है जिसमें आप रिहर्सल कर सकते हो। ओके, फिर आप रैम स्लिप में जब सो जाते हो सपने वाली नींद, वहाँ पे ये कन्वर्ट होता है। ओके, फिर कोडिंग से भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसमें आता है इमोशन के साथ भी, जिसको बोलते हैं हम हैबिचुएशन एंड रीइन्फोर्समेंट। सो अगेन एवरीवन, हिपोकैम्पस इज द कॉमनेस्ट साइट फ्रॉम वेयर एपिलेप्सी ओरिजिन मिली। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज अगेन अ की कंसेप्ट फॉर 1 मार्क SQ नीट MCQ एंड फॉर फ्यूचर। ओके, सो नाउ दिस इज गुड इनफ फॉर विजुअल पाथवे। अब हम लेशियंस वापस स्टार्ट कर लें, क्योंकि आपके लिए एग्जाम में जो IMP है वो विजुअल पाथवे और उसके लेशियंस है। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए मैं रखता हूँ कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को भी समझ में आए, कुछ उनको भी मजा आए। लेकिन मैं साथ में ये भी बोलता रहता हूँ कि ये जो बीच में कुछ बोला, जैसे ये लेयर्स है, फिर ये हिपोकैम्पस है, ये सारी चीज़ें आप नहीं भी लिखोगे तो भी आप अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि हमें सबकी केयर करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पास भी होना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को स्कोर भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है। जिसका जैसा लेवल है उसको सभी को हेल्प हुए,
इस तरह से कंबाइंड लेक्चर रखने का हम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो वी आर स्टार्टिंग ऑन द वेरियस लेशियंस इन अ विजुअल पाथवे, ओके। सो फॉर लेशियन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फिगर, दिस इज वेरी आईएमपी फिगर, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन द एग्जाम। लेकिन जैसे मैंने बोला है बार बार, पहले ही बोला था, आपको ये पार्ट कवर कर लेना है, आपको कोई भी एक जगह पे डैमेज अपने आप ही इमेजिन करना है कि मान लो ये डैमेज है, ये डैमेज है, ये डैमेज है, और क्या होगा वो आपको ड्रॉ करना है। फिर आपको ये देख लेना है, चेक कर लेना है कि जो आपने ड्रॉ किया है वही यहाँ पे है कि नहीं। अगर आपका वो हो गया तो आपकी पूरी शॉर्ट नोट समझना सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि वेरियस लेशियंस इन अ विजुअल पाथवे। तो ये हमारा विजुअल पाथवे हमने देख लिया, दिस इज योर ऑप्टिक नर्व, दिस इज योर ऑप्टिक काइज़मा पार्ट, दिस इज योर ऑप्टिक ट्रैक, हियर आपका आएगा ऑप्टिक रेडिएशन, कॉर्टेक्स, ये सारे पार्ट है। तो यहाँ पे अगर डैमेज होता है तो कैसा कैसा लेशियंस बनता है वो हमें समझना है, ओके। तो फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि अगर ऑप्टिक नर्व में डैमेज है क्या हुआ। तो ए वाला पार्ट आप देखो, ए वाला पार्ट क्या दिखा है, डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व। कौन सी ऑप्टिक नर्व है, लेफ्ट आई है, तो ये लेफ्ट ऑप्टिक नर्व है। तो डैमेज टू द ए मीन्स व्हाट, डैमेज टू द ए मीन्स लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज, ओके। तो अभी स्टूडेंट सीधा रट्टा मारेंगे तो कैसा लिखेंगे, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व चली गई तो लेफ्ट आई का विजन चला गया, तो ये ड्रॉ कर गया, ये राइट है। लेकिन मैंने जैसे समझा आपको कैसे याद रखना है, ये वाला कि मान लो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व में कौन से फाइबर, लेफ्ट टेम्पोरल, लेफ्ट नाजल, ओके। तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व गई तो कौन से फाइबर्स गए, आप देखो लेफ्ट नाजल गए, लेफ्ट टेम्पोरल गए, तो ये आपका नाजल वाला हिस्सा भी गया, ये आपका टेम्पोरल। तो लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज इज लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर एज वेल एज लेफ्ट नाजल फाइबर्स। अभी लेफ्ट टेम्पोरल और लेफ्ट नाजल गए तो विजन कौन सा जाएगा, ओके। तो टेम्पोरल गया तो विजन जाएगा नाजल वाला, नाजल भी गया है तो विजन जाएगा टेम्पोरल वाला। तो टेम्पोरल विजन भी चला गया, नाजल विजन भी चला गया, तो पूरी आई का विजन चला गया, तो ये लेफ्ट आई का विजन चला गया। अगर आप ऐसे आंसर इसका कर रहे हो, ऐसे समझ रहे हो, तो फिर सारे लेशियंस आपको याद रह जाएंगे। तो सीधा मत याद रखो, कैसे याद रखो, डैमेज टू द ए मीन्स लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज, लेफ्ट ऑप्टिक नर्व डैमेज मीन्स लेफ्ट नेजल फाइबर्स भी गए, लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर्स भी गए। तो लेफ्ट नेजल फाइबर्स गए ब्लू वाले, लेफ्ट टेम्पोरल फाइबर्स गए रेड वाले, तो नेजल भी गया टेम्पोरल भी गया। लेकिन विजन कौन सा जाएगा, नेजल गया तो विजन गया टेम्पोरल वाला, टेम्पोरल गया तो विजन गया नेजल वाला, तो नेजल विजन भी गया, टेम्पोरल भी गया, और पूरा लेफ्ट आई का विजन चला गया, तो ये पिक्चर बन गया। राइट आई से विजन चालू है और लेफ्ट आई का विजन चला गया। तो डैमेज टू द ए कॉजेस यू दिस टाइप ऑफ डैमेज। अभी देखो डैमेज टू द बी मीन्स राइट ऑप्टिक नर्व, राइट ऑप्टिक नर्व मतलब राइट टेम्पोरल, राइट नाजल। टेम्पोरल में गया तो नाजल विजन जाएगा, नाजल में गया तो टेम्पोरल विजन जाएगा, क्या डैमेज हुआ, राइट आई का विजन चला गया, लेफ्ट आई का ऑन, ओके। अब हम देखेंगे बहुत ही की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो आएगा ई वाला, ओके। सी और डी आप अपने आप ही समझ सकते हो, ओके। सी वाला केवल ये फाइबर्स गया है, ये फाइबर्स बाद में भी हम देखते हैं, लेकिन ई वाला बहुत ही आईएमपी है, क्योंकि पेशेंट्स बहुत सारे आपको ई वाले डैमेज पे ही आएंगे, ओके। तो ई वाला डैमेज देखो क्या डैमेज है, ये ऑप्टिक काइज़मा का ये पार्ट है, क्योंकि ऑप्टिक काइज़मा में हमने देखा क्रॉसिंग होता था, तो ऑप्टिक काइज़मा का डैमेज है, मतलब ई वाला डैमेज है। ऑप्टिक काइज़मा में कोई बुक में ये भी लिखा है पेरिफेरल पार्ट, कोई बुक में सेंट्रल लिखा है, लेकिन एक कंसेप्ट यूजुअली ये बनता है ऑप्टिक काइज़मा मतलब सेंटर वाला पार्ट, लेकिन कोई बोलते हैं ऑप्टिक काइज़मा सेंटर, कोई बोलते हैं ऑप्टिक काइज़मा पेरिफेरी, आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट ऑप्टिक काइज़मा मतलब सेंटर वाला पार्ट मेनली होता है, ओके क्लियर। तो ऑप्टिक काइज़मा का सेंटर वाला पार्ट में डैमेज दिखा ई, तो कौन से फाइबर्स जाएगा आपको बोलना है। तो ई मतलब ऑप्टिक काइज़मा का सेंटर पार्ट डैमेज, मतलब दोनों नाजल फाइबर्स चले गए, क्योंकि हमने क्या देखा था, नाजल फाइबर क्रॉसिस ईच अदर, मैंने बोला था जैसे दो अलग अलग व्यक्ति एक्सचेंज करते हैं नाजल एरिया में, तो नाजल फाइबर क्रॉसिस ईच अदर, तो नाजल फाइबर क्रॉस करते हैं और सेंटर में नाजल फाइबर्स ही होते हैं, इनका क्रॉसिंग होता है, तो दोनों नाजल फाइबर्स चले जाते हैं। तो अगर ऑप्टिक काइज़मा में डैमेज है, या पर्टिकुलरली कोई बोलेगा ऑप्टिक काइज़मा के सेंटर पार्ट में डैमेज है,
तो कौन से फाइबर्स चले गए? बायनाजल फाइबर्स। बायनाजल मतलब दोनों नाजल फाइबर्स चले गए, तो ये फाइबर्स चले गए ब्लू वाले, क्लियर। तो बायनाजल फाइबर्स चले गए। अगर नाजल फाइबर्स चले गए तो विजन लॉस क्या होगा, आपको क्या बोलना है? नाजल गया तो टेम्पोरल विजन लॉस, यहां पर भी नाजल गया तो टेम्पोरल विजन लॉस। तो वेरी क्लियर, अगर ऑप्टिक कायज्मा के सेंटर पार्ट में डैमेज है, मतलब बाय नाजल फाइबर्स चले गए, तो विजन बाय टेम्पोरल जाएगा, क्योंकि दोनों के नाजल गए तो विजन टेम्पोरल का नहीं आएगा। तो ई वाला देखो, दोनों टेम्पोरल विजन चला गया, ये आपका नाजल पार्ट है, ये आपका टेम्पोरल। यहाँ पे आप केयरफुली देखो ई में क्या जा रहा है, दोनों टेम्पोरल फाइबर्स चले गए, क्लियर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आप करोगे तो हर बार आप राइट रहोगे, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो ये रॉन्ग होने के चांस है। तो कैसे याद रखना स्टेप बाय स्टेप, कि भाई लेशियंस कहाँ पे? ई में। तो लेशियंस मतलब कौन से फाइबर्स गए वो पहले बोलना है। तो आपका आंसर आएगा कि नाजल फाइबर्स चले गए। फिर आपको समझना है नाजल फाइबर कहाँ से विजन लाते हैं, तो हाँ नाजल फाइबर टेम्पोरल का विजन बनाते हैं, तो विजन हुआ दोनों टेम्पोरल लॉस। तो ये देखो दोनों टेम्पोरल चले गए, तो इसको बोलते हैं बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। क्या बोलते हैं? बाय टेम्पोरल, क्योंकि दोनों टेम्पोरल चले गए। और हेमी एनोपिया मतलब आधा विजन गया, एनोपिया मतलब फुल विजन गया। तो यहाँ पे होगा एनोपिया, ये है लेफ्ट एनोपिया, लेफ्ट आई का पूरा विजन चला गया। और ये बोलते हैं हेमी एनोपिया, ये सारे हेमी एनोपिया है, ओके ये हेमी एनोपिया है, हेमी एनोपिया मतलब आधा विजन चला गया। तो क्योंकि आधा विजन गया तो हमने इसको बोला हेमी एनोपिया, लेकिन नाजल वाला गया कि टेम्पोरल वाला, तो है टेम्पोरल वाला, तो इसको हमने बोला टेम्पोरल हेमी एनोपिया। और दोनों साइड के गए तो इसका आंसर आया बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। ई को हम क्या बोलते हैं? बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। क्यों ऐसा आया बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया? क्योंकि आधा गया तो हेमी एनोपिया, क्योंकि टेम्पोरल का ही गया तो टेम्पोरल हेमी एनोपिया, और क्योंकि दोनों साइड का गया तो आंसर आया बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। ओके, जैसे ये वाला है इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नाजल। पहले तो आधा गया तो इसका आंसर आएगा हेमी एनोपिया, नाजल साइड का गया तो इसका आंसर आएगा नाजल हेमी एनोपिया, और राइट का गया कि लेफ्ट का गया? ओनली लेफ्ट का गया, तो इसका आंसर आएगा लेफ्ट नेजल हेमी एनोपिया। अगर सी वाला डैमेज हो तो क्या पेशेंट को होता है? लेफ्ट नेजल हेमी एनोपिया। कैसे समझना है? सी वाला डैमेज मतलब क्या डैमेज हो रहा है, देखो केयरफुली आप, लेफ्ट का टेम्पोरल डैमेज हो रहा है। सी वाला लेशन दिखा रहा है लेफ्ट का टेम्पोरल डैमेज, लेफ्ट का टेम्पोरल डैमेज मतलब विजन गया नाजल वाला लेफ्ट का, तो यहाँ पे दिखा है लेफ्ट का नाजल डैमेज, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा? लेफ्ट नाजल हेमी एनोपिया। अगर सुनो अभी डी देखते हैं, ओके डी मतलब लेशन यहाँ पे दिखा है क्या जा रहा है? राइट का टेम्पोरल फाइबर्स, देखो ये टेम्पोरल फाइबर्स आ रहा है यहाँ पे, तो ये जा रहा है राइट का टेम्पोरल फाइबर्स डी में। राइट का टेम्पोरल फाइबर्स चला गया तो विजन कौन सा जाएगा आपका? राइट का नेजल। तो डी में देखो क्या दिखा है, राइट का नेजल चला गया, ओके लेकिन आंसर आपको क्या करना है? राइट नेजल हेमी एनोपिया, क्योंकि हाफ पार्ट जा रहा है तो हेमी एनोपिया, क्योंकि नाजल वाला जा रहा है तो नाजल हेमी एनोपिया, क्योंकि ओनली राइट साइड का जा रहा है तो राइट नाजल हेमी एनोपिया। ओके अगर हम सी और डी दोनों की बात करोगे तो क्या आंसर आएगा? बाय नेजल हेमी एनोपिया, क्योंकि दोनों साइड के नेजल गए तो बाय नेजल हेमी एनोपिया। ये होगा अगर ऑप्टिक कायज्मा के पेरिफेरी में डैमेज है, लेकिन कॉमनेस्ट मैंने बोला आपको, कोई बोल रहा है ऑप्टिक कायज्मा सेंटर और पेरिफेरी की बात नहीं कर रहा है, तो आपको सेंटर ही मान के चलना है। ओके ऑप्टिक कायज्मा सेंटर और पेरिफेरी की बात नहीं कर रहा। अब जैसे कोई बोलता है कि बच्चन को डिजीज हो गया है, तो सभी समझ जाते हैं कि अमिताभ बच्चन की बात हो रही है। अभिषेक बच्चन तो आपको अलग से बोलना पड़ेगा कि अभिषेक बच्चन को प्रॉब्लम है, फिर आगे अभिषेक बोलना पड़ता है, ठीक है। वैसे ही कोई भी बात कर रहा है ऑप्टिक कायज्मा, मतलब आपको सेंटर वाला पार्ट ही समझना है। अगर पेरिफरी है तो उसको बोलना पड़ेगा कि पेरिफरी का ऑप्टिक कायज्मा। अब मैं इतना क्यों फोकस कर रहा हूँ कि बच्चन साहब का भी नाम ले लिया, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि सेंटर का पार्ट ही ऑप्टिक कायज्मा है? तो यहाँ पे ह्यूज कंसेप्ट बन रहा है आपके लिए, क्योंकि ऑप्टिक कायज्मा के बिल्कुल सेंटर वाले बॉटम के पार्ट में जो होता है यहाँ पे, वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके वेरी एम्पी कंसेप्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे लोकेटेड होता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास क्या होता है? ऑप्टिक कायज्मा का सेंटर का वाला पार्ट। तो अगर पेशेंट में मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप सब समझते होंगे, व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो हार्मोन सीक्रेट्स करते हैं, और वो हार्मोन से पूरी बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो हार्मोन से कभी भी विजन नहीं जाता, लेकिन आप सबको पता होगा
हार्मोन से विजन नहीं जाता, हार्मोन से सारे चेंजेस आते हैं, वो आपको एंडोक्राइन में चल चुके होंगे या आगे चलेंगे। तो अगर किसी पेशेंट को पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो क्या होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है तो उसमें वो हार्मोन बहुत ही हाई अमाउंट में सिक्रेट हो गए और पूरी बॉडी में चेंज होगा। पेशेंट आपके पास आया, मान लो थायरॉयड का पेशेंट है, ओके, सिम्टम्स हो गए सारे थायरॉयड के और विजन ज़्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ओके, या फिर पेशेंट आ रहा है कोई और डिजीज लेके आपके पास, ओके, तो क्योंकि सिम्टम्स पूरी बॉडी में आएंगे, ओनली विजन के होने के चांस लेस है क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड का विजन वाली डैमेज है वो मैकेनिकल इफेक्ट्स है, ओके, इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड मैकेनिकली इसको डैमेज करता है। पिट्यूटरी, मान लो थायरॉयड का पेशेंट है तो ऐसा मत समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में से थायरॉयड हार्मोन आया और थायरॉयड हार्मोन ने आई को डैमेज कर दिया, ये मत समझो। अभी हम क्या समझ रहे हैं, हाँ थायरॉयड हार्मोन भी आप धीरे धीरे देखोगे उसमें भी एक्सोथर्मस होता है, लेकिन वो सब अलग कंसेप्ट है। अभी हमें ये नहीं देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से थायरॉयड आया और थायरॉयड ने इसको डैमेज किया, हमने वो नहीं देख रहे। हम ये देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड में से थायरॉयड बहुत ही ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड लार्ज हो चुका है और वो लार्ज हो चुका है, वो लार्जनेस से इसको वो कंप्रेस कर रहा है। तो हमें ये देखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के मैकेनिकल इफेक्ट्स आ रही है, वो लार्ज हो रहा है। तो टिपिकली ये केस आप अगर यूएसएमएलई दोगे या एमसीक्यू दोगे तो वहाँ पे केस आएगा, एक बड़ा आपको केस दिया होगा जिसमें टिपिकली सारे सिम्टम्स दिखाएंगे वो हॉर्मोन्स के। तो क्या उन्होंने लिखा होगा, पूरी बॉडी में कुछ चेंजेस लिखा होगा, ओके, जैसे कशिंग का पेशेंट है तो पूरी बॉडी में चेंजेस वो दिखाएंगे और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये तो पूरी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। तो फिर पूछेंगे विजन का क्या हुआ, तो आपको लगेगा अरे विजन क्यों अफेक्ट होगा, ये तो हार्मोन का प्रॉब्लम है। तो आपको अच्छे से वहीं पे कंसेप्ट बनाना है कि हाँ हार्मोन का चेंजेस हो रहा है, ये हार्मोन हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है। फिर जब भी आप पेशेंट का सीटी स्कैन करवाओगे वहाँ पे आपको दिखेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या हुआ है। आप देखना पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही लार्ज हो चुकी है, इसका मतलब मैक्रोएडेनोमा है। मैक्रोएडेनोमा मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्ज ट्यूमर। वो पिट्यूटरी ग्लैंड का लार्ज ट्यूमर पर्टिकुलरली सेंटर के फाइबर्स को डैमेज करेगा। सेंटर के फाइबर डैमेज हो गए, ई वाला लेशियंस, तो पेशेंट को क्या होता है, बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया। टिपिकली ये पेशेंट टिपिकली वॉल्वो ड्राइवर का होता है। जैसे पहले मेरी जूनागढ़ ड्यूटी थी तो सब वाले वहाँ पर स्टूडेंट देखेंगे तब उनको भी पता होगा, मैं राजकोट से अहमदाबाद यूजुअली वॉल्वो में आता था, ओके, राजकोट तक तो हम कार में आ जाते थे, लेकिन राजकोट से मैं अहमदाबाद जब वॉल्वो में आता था तो टिपिकली यही केस एक आइडियली आपको देखने मिलेगा नीट में या यूएसएमएलई में। एक वॉल्वो ड्राइवर होगा, वो अपनी वॉल्वो चलाता होगा और वो बोलेगा कि ये सारे सिम्टम्स हैं और लेकिन मैं जब भी पेरिफेरी का देखना ट्राई करता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता। वो ड्राइव तो अच्छे से कर पाता है, एक्सीडेंट्स भी नहीं होते, लेकिन वो बोलता है कि जब मैं पेरिफेरी देखने का ट्राई करता हूँ, जब दूर कौन है तो मुझे कभी कभी दूर का कभी कभी इतना अच्छे से नहीं दिख पाता, ऐसा क्यों होता है। तो वो पेशेंट में फिर सीटी स्कैन में मिलता है कि उसको पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर होता है और बाय टेम्पोरल हेमियनोपिया। टिपिकली ये वॉल्वो ड्राइवर में ऐसा एग्जाम्पल दिखेगा क्योंकि टू व्हीलर या कार में तो बहुत ही इतना टेम्पोरल आपको नहीं देखना पड़ता, लेकिन टिपिकली वॉल्वो ड्राइवर करके ये केस बहुत ही बार बार फॉरेन की एग्जाम में पूछते हैं। तो दैट्स वाई आपको पिट्यूटरी ग्लैंड के पेशेंट कॉमन आएंगे, इसके लिए मैं इतना डिटेल में मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड का फोकस किया। बाकी सारे लेशियंस है वो हो सकते हैं, लेकिन कॉमनेस्ट पेशेंट आपके पास आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ, कि पेशेंट आके बोलेगा, और वो ट्रिकी होगा क्योंकि वो कोई भी आई के सिम्टम्स ज़्यादा नहीं लाएगा, वो सारी बॉडी के सिम्टम्स आएगा और वो पूछेगा कि मुझे आई में डैमेज है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ इसको तो प्रॉब्लम है थायरॉयड का, तो आई में आप देखोगे तो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप जाओगे एक्सोथर्मस की तरफ, जो ग्रेव्स डिजीज में होता है, वो जब आपको एंडो चलेगा तब आएगा। लेकिन अभी आप समझ लो कि पिट्यूटरी ग्लैंड मैकेनिकल कंप्रेशन करता है ऑप्टिक कायज़मा का, जहाँ पे सेंटर वाले फाइबर्स डैमेज होता है और वो रिप्रेजेंट होता है बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया, क्योंकि नाजल फाइबर्स चले जाते हैं तो विजन लॉस होता है टेम्पोरल फाइबर्स, ओके। अब मान लो किसी ने पूछा है यहाँ पे डैमेज, ओके, जो इस पिक्चर में नहीं है लेकिन आप इमेजिन करो यहाँ पे डैमेज है ऑप्टिक रेडिएशन में, ओके, मान लो यहाँ पे ऑप्टिक रेडिएशन में डैमेज है तो कैसा डैमेज आएगा, जो ऑप्टिक ट्रैक्ट में आएगा वही ऑप्टिक रेडिएशन में, क्योंकि मैंने अगेन आपको पहले ही बोला था जो फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक्ट में है वही फाइबर्स ऑप्टिक रेडिएशन में होते हैं, कोई भी क्रॉसिंग या कोई भी चेंजिंग नहीं होता, ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर्स और ऑप्टिक ट्रैक्ट के फाइबर्स सेम है। तो अगर कोई बोलता है कि ऑप्टिक रेडिएशन में यहाँ पे डैमेज है तो जो एफ वाला फिगर है वही फिगर आपको देखने मिलेगी पेशेंट्स में, तो ऑप्टिक रेडिएशन में ऐसा ही डैमेज आएगा, ओके। अभी आपको देखना है ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज, तो जो एफ दिखा है डैमेज वो क्या है, एफ वाला डैमेज आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, ये क्या है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, ओके, एफ वाला डैमेज क्या है, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट, ये ऑप्टिक नर्व का डैमेज है, ये ऑप्टिक ट्रैक्ट का है। अगेन आपको क्या याद रखना है,
लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में कौन से फाइबर्स होते हैं? मैंने बोला था वो वाले, वापस अगेन, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट वाले टेम्पोरल, राइट वाले नाजल, ऑपोजिट नाजल आएंगे। ऑप्टिक ट्रैक्ट में टेम्पोरल सेम साइड के, ऑपोजिट साइड के नाजल। तो आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में कौन से फाइबर? लेफ्ट के टेम्पोरल सेम वाले, ऑपोजिट के नाजल, राइट के नाजल। तो लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट टेम्पोरल, राइट नाजल। लेकिन विजल विजन कौन सा जाएगा? लेफ्ट में वन बाय वन जाना तो ये राइट आएगा, अदरवाइज हमेशा रॉन्ग पड़ता है। लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में लेफ्ट टेम्पोरल, तो विजन गया नाजल वाला, तो लेफ्ट में ये विजन चला गया लेफ्ट नाजल। और इसमें फाइबर है राइट नाजल के, तो विजन जाता है टेम्पोरल, तो राइट टेम्पोरल। तो एक तो ये विजन गया, दूसरा ये विजन गया, तो लेफ्ट का गया नाजल विजन, राइट का गया टेम्पोरल विजन। तो एफ में देखो टिपिकली वही पिक्चर है जैसे मैंने दिखाया, वही वाला एफ में, ये वाला और ये वाला। तो इसको क्या बोलते हैं? ये एनोपिया है कि हेमी एनोपिया है? अगेन एवरीवन, दिस इज एनोपिया, क्योंकि ये हाफ डैमेज है, नॉट अ फुल डैमेज। ओके, ये एनोपिया एक साइड में है कि दोनों साइड में है? तो अगेन ये दोनों साइड में, राइट में भी हेमी एनोपिया है, लेफ्ट में भी हेमी एनोपिया है। लेकिन आप देखो, आपको क्या बोलना पड़ेगा? लेफ्ट के नाजल में हेमी एनोपिया है, राइट के टेम्पोरल में हेमी एनोपिया है। ये बाय नाजल या बाय टेम्पोरल आप वर्ड यूज नहीं कर पाओगे, ये ऐसा नहीं है पिक्चर, बाय नाजल या बाय टेम्पोरल अलग अलग है। तो इसके लिए क्या कोई वर्ड है? तो हाँ, वर्ड ये है। आप देखो कि ये वाला भी राइट साइड है, ये वाला भी राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं राइट हेमी एनोपिया, और दोनों सेम साइड है तो इसको बोलते हैं राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। क्या बोलते हैं? राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया। ओके, क्यों हेमी एनोपिया? क्योंकि हाफ डैमेज हुआ है। क्यों राइट? क्योंकि आप राइट साइड नहीं देख रहे हो। क्यों होमोनिमस? क्योंकि दोनों राइट साइड नहीं देख पाते। तो किसी पेशेंट को लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज है तो वो अपनी राइट साइड कुछ भी नहीं देख पाएगा। क्लियर? ये आपको इस फिगर में अच्छे से देखने मिलेगा। ओके, यहाँ पे डैमेज आप देखो, यहाँ पे डैमेज है, तो ये वाले फाइबर्स गए, ये फाइबर्स गए, दोनों ग्रीन वाले फाइबर्स जा रहे हैं यहाँ पे, और दोनों रिप्रेजेंट करते हैं राइट एरिया को। तो अगर पेशेंट को लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट में डैमेज है तो वो राइट साइड का कुछ भी नहीं देख पाएगा। ओके, तो आप वन बाय वन जाओगे तो हमेशा राइट पड़ेगा। लेकिन आपको अगर कॉम्प्लिकेट लग रहा है तो ऑप्टिक ट्रैक का ही ट्रिकी होता है, तो ऑप्टिक ट्रैक का रट्टा भी मार सकते हो। ऑप्टिक ट्रैक में डैमेज है तो ऑपोजिट साइड का पूरा विजन चला जाएगा, मतलब लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज तो उसको राइट साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा, राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज तो उसको लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं दिखेगा। इसको हम बोलते हैं राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया, इसको हम बोलते हैं लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया। ओके, और जो ये वाले है इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस हेमी एनोपिया, क्योंकि ये दोनों राइट साइड नहीं देख पाते, इसमें ऐसा नहीं है, तो इसको हेट्रोजाइगस हेमी एनोपिया भी बोलते हैं। लेकिन गुड वर्ड ये रहेगा, इसको आप बोलो बाय नेजल हेमी एनोपिया या बाय टेम्पोरल हेमी एनोपिया। यहाँ पे राइट होमोनिमस हेमी एनोपिया, वैसे जी वाला कौन सा है? लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया। अब देखो जी में क्या है? लेफ्ट ऑप्टिक, जी वाला क्या है? राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज। अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक डैमेज तो विजन क्या जाएगा? लेफ्ट विजन जाएगा। तो राइट ऑप्टिक ट्रैक में लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया, सीधा रट्टा मारा है, तो राइट ऑप्टिक ट्रैक में लेफ्ट होमोनिमस हेमी एनोपिया। वन बाय वन जाओगे तो वेरी गुड, मैं वही चाहता हूँ, अगर आप वन बाय वन जाओगे तो वेरी गुड। लेकिन जिसको बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है वो रट्टा मार के भी ड्रॉ करके आ जाए, आप 50% मार्क ला दोगे, अच्छे नंबर पास हो जाओगे। लेकिन आप समझते हो तो गुड है, क्योंकि जब फ्यूचर में भी आएगा एमसीक्यू तो वापस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ओके, तो अगेन जी वाला डैमेज, मतलब अगेन राइट ऑप्टिक, सॉरी अगेन राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट वाला डैमेज, मतलब राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट मतलब राइट टेम्पोरल लेफ्ट नाजल। राइट टेम्पोरल गया तो राइट का नाजल विजन गया, और लेफ्ट नाजल गया तो लेफ्ट का टेम्पोरल गया, और विजन लेस, विजन लॉस ये हो गया। तो बहुत ही ट्रिकी शॉर्ट नोट है, लेकिन बहुत ही आसान है अगर आप समझ जाओगे तो। कोई भी एक लेशन, मैं यही चाहता हूँ लास्ट में अगेन आप ये वाला पार्ट कवर कर दो। ओके, यहाँ पे कोई पेज रख दो, यहाँ पे अपने आप ही कोई भी एक लेशन इमेजिन करो, फिर ड्रॉ करो और चेक करो। अगर दो तीन बार आप राइट पढ़ रहे हो तो आप हमेशा राइट पढ़ोगे। अलग से इसके अलावा भी आपको सारे फिगर्स और भी है, एक जैन में आपको और एक एलोब्रेटेड फिगर मिल जाएगी, वो आपको ड्रॉ करने आइडियली एग्जाम में।
उसमें क्या ऐड होता है, एक तो ये वाला ऐड होता है ऑप्टिक रेडिएशन, उसमें आपको यही लिख देना है एफ वाला सेम टू सेम। लेकिन उसमें एक और दो फिगर ऐड होती है, वो अभी मैं आपको पीपीटी में दिखा रहा हूँ, जो दो दो फिगर को कभी कभी बोलते हैं टेम्पोरल लोब का डैमेज और पराइटल लोब का डैमेज। तो अगर ओनली टेम्पोरल लोब में डैमेज हो तो क्या होगा, पराइटल लोब में डैमेज हो तो क्या होगा। आप समझो के टेम्पोरल लोब बात करो या पराइटल लोब बात करो, दोनों ब्रेन का हिस्सा है और ब्रेन में क्या जा रहा है, ऑप्टिक रेडिएशन। तो टेम्पोरल लोब में भी ऑप्टिक रेडिएशन का डैमेज होगा, पराइटल लोब में भी ऑप्टिक रेडिएशन का डैमेज होगा। लेकिन एक यूनिक है कि पूरा ऑप्टिक रेडिएशन वहां पे डैमेज नहीं होता, टेम्पोरल लोब में 50% ऑप्टिक रेडिएशन होता है, पराइटल लोब में भी 50% ऑप्टिक रेडिएशन होता है, और इससे एक अलग तरह का डैमेज होता है, वो फिगर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये वाली फिगर की हम बात करते रहे, इससे भी आपको एक अलग फिगर एक जन में मिल जाएगी, वो आपको एग्जाम में ड्रॉ करके अगर एलोबरेट करना है तो आप देखो कि ऑप्टिक रेडिएशन वाला पार्ट ये है। लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन ब्रेन तक पहुंचने से पहले टेम्पोरल लोब में भी उससे फाइबर्स जाते हैं और पराइटल लोब में भी फाइबर्स जाते हैं। यूनिकनेस इसकी ये है कि ऑप्टिक ट्रैक के सारे फाइबर्स ऑप्टिक रेडिएशन में होके कॉर्टेक्स तक जाते हैं, लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन में टेम्पोरल में थोड़े फाइबर जाते हैं और पराइटल लोब में थोड़े फाइबर जाते हैं। इसकी वजह से अगर टेम्पोरल लोब में डैमेज है तो एक अलग विजन इफेक्ट आती है, अगर पराइटल लोब में डैमेज है तो अलग विजन इफेक्ट आती है। आपको क्या याद रखना है, ये चार नंबर वाला पार्ट, अगर ऑप्टिक रेडिएशन में टेम्पोरल लोब में डैमेज है तो ऐसा विजन लॉस आपको देखने मिलेगा। ओके, ऐसा विजन लॉस। आप देखो तीन नंबर वाला है वो आपका ऑप्टिक ट्रैक का है, अगर आप चार और पांच को मिला दो तो ऑलमोस्ट ये तीन ही बन जाएगा। ओके, क्योंकि चार में देखो कि तीन का अपर वाला पार्ट है और पांच में देखो कि तीन का बॉटम वाला पार्ट है, तो चार और पांच मतलब टेम्पोरल लोब पैराइटल लोब दोनों मिल गए तो तीन का ही है, क्योंकि तीन के फाइबर्स ही अल्टीमेटली कॉर्टेक्स तक पहुंचते हैं। लेकिन तीन वाले आधे फाइबर्स ओनली टेम्पोरल लोब में जाते हैं और आधे फाइबर्स ओनली पैराइटल लोब में जाते हैं। इसकी वजह से अगर पेशेंट को टेम्पोरल लोब डैमेज है तो सुपीरियर क्वाड्रेंट में भी डैमेज होता है। इसको कभी कभी निमोनिक्स में एक जन में ये वर्ड यूज होता है पाई इन द स्काई, इसका मतलब ये नहीं देख पाता, और पाई इन द फ्लोर, इसका मतलब वो ये वाला पार्ट नहीं देख पाता। ओके, सिर्फ निमोनिक से वर्डिंग ये नहीं समझोगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका कंसेप्ट ये क्लियर होना चाहिए, अगर टेम्पोरल लोब का डैमेज है तो ऐसा डैमेज होगा, अगर पराइटल लोब का डैमेज है तो ऐसा डैमेज होगा, अगर पूरा ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज है तो तीन वाला ही डैमेज देखने मिलेगा, क्योंकि तीन के फाइबर्स ही ऑप्टिक रेडिएशन बनाते हैं। ओके, अगेन यही फाइबर्स ऑप्टिक ट्रैक के ऑप्टिक रेडिएशन बनाते हैं, तो ऑप्टिक ट्रैक का डैमेज में भी वही डैमेज होगा और ऑप्टिक रेडिएशन के डैमेज में भी वही सेम डैमेज आपको देखने मिलेगा। क्लियर? लेकिन ऑप्टिक रेडिएशन अगर आप टेम्पोरल लोब वाला पार्ट बोलोगे तो केवल अपर पार्ट में डैमेज आएगा, और अगर आप पराइटल लोब वाला पार्ट बोलोगे तो केवल बॉटम पार्ट में डैमेज आएगा। तो ये वाली फिगर है, इसमें आपको बाकी सारे और लेशंस भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने बोला ऑप्टिक रेडिएशन वाला, फिर ऑप्टिक रेडिएशन टेम्पोरल में कैसा, जिसमें इसका हाफ पार्ट चेंज हो जाएगा, आपको ये पार्ट अपर पार्ट ही डैमेज होगा, फिर ऑप्टिक रेडिएशन में पराइटल वाला कैसा, फिर जैसे हमने आगे बात किया था क्रिस्टल क्लियर विजन वाला मैक्यूला वाला हिस्सा, तो मैक्यूला क्योंकि बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है तो हो सकता है कि डैमेज मैक्यूला वाले पार्ट में हो, तो उसमें आपको पूरा यही विजन उसमें देखने मिलेगा, लेकिन फिर सिर्फ सेंटर में एक छोटा सा पार्ट में विजन डैमेज नहीं होगा क्योंकि मैक्यूला इंटैक्ट है। तो अगर मैक्यूला स्पेरिंग है तो पूरा डैमेज होगा लेकिन मैक्यूला ओके होगा, अगर मैक्यूला डैमेज है तो मैक्यूला में डैमेज होगा, बाकी सब ओके होगा। ठीक है, तो आप केयरफुली देखो, यहाँ पे इन्होंने मैक्यूलर स्पेरिंग थोड़ा दिखाया है, ठीक है, छोटा सा पार्ट ऐसा, हो सकता है कि ये पूरा पार्ट का विजन ऑन हो मैक्यूलर स्पेरिंग लेकिन बाकी सब डैमेज हो। ओके, और याद रखो इतना जो पार्ट है वही क्रिस्टल क्लियर विजन है। ओके, रेटाइना का वो हिस्सा ही क्रिस्टल क्लियर विजन बना रहा है, तो हो सकता है विजुअल कॉर्टेक्स में आपका मैक्यूलर स्पेरिंग हो जाए क्योंकि मैक्यूला बहुत ही बड़ा रिप्रेजेंट करता है, तो उसको डैमेज ना हो, हो सकता है कि मैक्यूलर कॉर्टेक्स मतलब विजुअल कॉर्टेक्स को डैमेज हो लेकिन पेरिफेरी को डैमेज ना हो, तो दोनों अलग अलग लेशंस भी और दिखा है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं और ये सारे एग्जाम में आपको अच्छे से ड्रॉ कर देने हैं। क्लियर, ये सब तो ड्रॉ करना है, फिर एक ही जन में से आपको फिगर लेके और जो मैंने दिखाई वो वाले फिगर उसमें से मिल जाएंगे,
ऑप्टिक रेडिएशन डैमेज है तो वही आपको एफ वाला ही दिखा देना है ऑप्टिक रेडिएशन में सेम डैमेज, क्योंकि ऑप्टिक ट्रैक के फाइबर ही ऑप्टिक रेडिएशन के फाइबर्स बनाते हैं। लेकिन टेम्पोरल लोब का डैमेज है तो केवल अपर वाला पार्ट को आपको लॉस दिखाना है, जिसको बोलते हैं पाई इन द स्काई। पराइटल लोब में डैमेज है तो केवल बॉटम वाला दिखाना है, डैमेज दिखाना है, जिसको बोलते हैं पाई इन द फ्लोर। फिर मैक्यूला में स्पेरिंग है तो सेंटर में आपको डैमेज नहीं दिखाना है, बाकी सब डैमेज दिखाना है। मैक्यूला का स्पेरिंग वाला पार्ट डैमेज है तो वो डैमेज है, बाकी सब ओके। तो ये सब भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका विजुअल लेशंस। ओके, तो विजुअल पाथवे अच्छे से समझे हो तो विजुअल लेशंस आसान है। लेकिन अगेन मैं वही बोलता हूँ, आप ये पार्ट कवर करके वन बाय वन 10 बार भी ये शॉर्ट नोट पढ़ोगे तो भी ये अच्छे से समझ में नहीं आएगी। लेकिन एक बार अच्छे से समझने के बाद, आपको बुक बंद करने के बाद अपने आप ही कुछ बोलना है कि भाई राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो क्या लॉस होगा। फिर देखो राइट ऑप्टिक नर्व में क्या होता है और आप चेक कर लो, वो आपका आंसर राइट है तो आपका आंसर एग्जाम के दिन भी राइट ही रहेगा। फिर बोलो ऑप्टिक कायज्मा का सेंटर वाला पार्ट डैमेज है तो क्या होगा, अगर आपका राइट हो रहा है तो आप एग्जाम में भी राइट ही रहेगा। जिसको अगर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो अगेन उनको रट्टा मारने के लिए राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो पूरी राइट आएगा, विजन चला गया। राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज है तो लेफ्ट साइड का नहीं देख पाएगा, तो लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया। जिसको रट्टा मारने के लिए ये टेक्निक भी वो याद रख सकते, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को याद रख लेना। और ये विजुअल पाथवे की शॉर्ट नोट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। इस तरह से हम देखें तो विजुअल डिफेक्ट दो तरह की, एनोपिया हेमिएनोपिया। एनोपिया मतलब राइट एनोपिया, लेफ्ट एनोपिया। हेमिएनोपिया मतलब होमोनिमस हेमिएनोपिया, हेट्रोनिमस। अगर हमें रिवाइज करना है तो वन बाय वन आप खुद भी ये चार्ट से रिवाइज कर लो तो आप राइट हो जाओगे। मान लो पहली डिफेक्ट विजुअल डिफेक्ट्स एनोपिया, राइट एनोपिया कब होगा आप बोलो, राइट एनोपिया कब होगा। अगर आप सही आंसर कर रहे हो तो आप 100% राइट होगे, राइट एनोपिया होगा अगर राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज हो तो। अगेन देखो ये है राइट एनोपिया कब हुआ, जब राइट ऑप्टिक नर्व डैमेज है तो। तो यही चार्ट में आप वन बाय वन सारे आंसर कर पाते हो तो 100% आप राइट रहोगे। कोई भी एक वापस लेते हैं, ये वाला कि होमोनिमस हेमिएनोपिया, लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया कब होगा, लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया तब होगा अगर राइट ऑप्टिक ट्रैक्ट डैमेज है तो। आप देखो लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया मतलब जी वाला, लेफ्ट साइड का कुछ भी नहीं देख पा रहा, लेफ्ट होमोनिमस हेमिएनोपिया कब डैमेज होगा, राइट ऑप्टिक ट्रैक। देखो अगेन राइट ऑप्टिक ट्रैक। तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप ये एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हो। आप वन बाय वन बोलो ये कौन से डैमेज से होगा, ये कौन से डैमेज से, ये कौन से डैमेज से। ये अगर आपका राइट आ रहा है तो आप 100% राइट हो जाओगे। ये एक्सरसाइज आप कर लो तो आप राइट हो जाओगे। तो अगेन समरी में, रिविजन में आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा विजुअल पाथवे। ओके, इसमें मेन हमने देखा विजुअल पाथवे में ऑप्टिक नर्व, फिर ऑप्टिक कायज्मा में क्रॉसिंग हुआ, नाजल फाइबर क्रॉस हुए, टेम्पोरल फाइबर अनक्रॉस रहे, फिर ऑप्टिक ट्रैक्ट बना, ऑप्टिक ट्रैक्ट एंड हुआ चार अलग अलग जगह पे, लिटरल जेनिकुलेट बॉडी पे, सुपीरियर कॉलिक्यूल्स पे, सुप्रा कायज्मेटिक न्यूक्लियस पे एंड प्रीट्रैक्टल न्यूक्लियाई पे। ये चारों के अलग अलग यूनिक फंक्शन थे बहुत ही आईएमपी वन मार्क के लिए, वो चारों आपको याद रखना है। फिर अगर मेन पाथवे हम लेंगे तो लिटरल जेनिकुलेट बॉडी से आप गए कॉर्टेक्स की तरफ, एरिया नंबर 70 की तरफ, कैल्केरिन फिशर के आसपास, तो इसका और सिनोनिम हो गया जेनिक्यूलो कैल्केरिन फाइबर्स या ऑप्टिक रेडिएशन। इससे आप प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स में एंड हुए, वहाँ पे मैक्यूला का एक बड़ा हिस्सा है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आप वॉल पे टीवी देख रहे हो तो टीवी 2% हिस्से में ही होता है, लेकिन बहुत सारा ब्रेन आपका टीवी में फोकस होता है। वैसे ही आपका टीवी की तरह है मैक्यूला, जहाँ पे क्रिस्टल क्लियर विजन बनता है और वहाँ से क्रिस्टल क्लियर विजन का बड़ा एरिया दिया है जिसको बोलते हैं विजुअल कॉर्टेक्स का पार्ट, मैक्यूलर रिप्रेजेंटेशन एरिया। हो सकता है उसको डैमेज हो तो वहाँ पे आपको डैमेज दिखने मिलेगा, हो सकता है पेरिफेरी में डैमेज हो तो मैक्यूलर स्पेरिंग एक वर्ड आता है, वो भी आता है। इसके बाद आपके लिए बहुत ही आईएमपी सारे लेशियंस में मैंने बोला वन बाय वन आप करोगे तो सभी आएगा। मोस्ट आईएमपी वन ई वाला टिपिकली वॉल्वो ड्राइवर पेशेंट होगा, बोलेगा कि मैं पेरिफेरी में नहीं देख पा रहा, सेंटर में मुझे सब कुछ दिख रहा है। सिम्टम लेके आएगा एंडोक्राइन के, लेकिन डैमेज होगा विजन का, क्योंकि ये एंडोक्राइन का हॉर्मोन की डैमेज नहीं है, ये मैकेनिकल डैमेज है, दैट इज ड्यू टू द पिट्यूटरी ग्लैंड एडेनोमा। लार्ज पिट्यूटरी ग्लैंड है, सेंटर फाइबर को कंप्रेस कर रहा है और ये बाय नाजल फाइबर्स को डैमेज कर रहा है, इसकी वजह से बाय टेम्पोरल हेमिएनोपिया हो रहा है। टिपिकल केस फाइनल एमबीबीएस में, यूएसएमएलए में बार बार आपके पास आ सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा पाथवे और डैमेज समझ में आ चुका होगा।
और ये भी लास्ट में हमेशा याद रख लेना, वेरी आईएमपी वन। और जैसे मैंने बोला है, अब वन बाय वन एटलीस्ट आप ये चार्ट को हर एक लेशन बोल पा रहे हो तो आप डेफिनेटली पूरे लेक्चर को समझ चुके हो। तो मैं यहाँ पे अपना लेक्चर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपके कोई फीडबैक हो तो आप भेज सकते हो, और अभी आगे देखेंगे कि कैसा रहता है ये ऑनलाइन लेक्चर्स लेना। अगर स्टूडेंट्स को अच्छा लगता है तो फिर धीरे धीरे हम ये कंटिन्यू कर पाएंगे, बट हम होपफुली चाहेंगे कि जल्द से जल्द ये COVID-19 कंट्रोल में आ जाए और फिर हम वापस कॉलेज में ही अच्छी तरह से पढ़ सकें। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गुड लक टू एवरीवन।